अभी कलबुर्गी में लेके केबीएन इंजीनियरिंग कॉलेज है, केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज है और गवर्नमेंट है, मगर ये कोई भी कॉलेज को नहीं देके सिर्फ पीडी इंजीनियरिंग कॉलेज को ही टेंडर देना बोल के जो टेंडर निकाला है, ये टेंडर के खिलाफ आज हम आवाज उठा रहे। जो सीखते वो तो काम का कुछ भी नहीं रहता, क्यों बोले तो आगे जाके टैलेंट दिखाए तो हमारा आगे वाला जनरेशन में कुछ तो फायदा है। इसके वजह से ये गलती से हमारे जो रीजन में 5,000 करोड़ रुपए आ रहा है, वो कर 5,000 करोड़ में घपला हो सकता है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। आज जो KKIDB है, ये KKIDB इस रीजन का डेवलपमेंट के वास्ते आए, सो जो KKIDB है, मगर यहाँ के जो अधिकारी लोग है, ये जो नया नया योजना डालना था, ये भाग का एजुकेशन समस्या और फाइनेंशियल समस्या और दूसरे सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करना चाहिए था, मगर ये अधिकारी लोग जो क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ का जो पैसा आ रहा, ये पैसे को लूट मार करना, ये पैसे खा के अपना घर भरना, यहाँ का लोग अपना बनता काम तो भाड़ में जाए जनता, ऐसा सोच के ये लोग जो काम कर रहा, इनके खिलाफ हम आज आवाज उठा रहे। KKIDB जो थर्ड पार्टी का टेंडर बुलाया है, ये टेंडर जो है सभी को देना चाहिए था, मगर ये टेंडर पर्टिकुलरली PDA इंजीनियरिंग कॉलेज, मगर इस रीजन में हमारे रीजन में टोटली 40 कॉलेजेस है। अभी कलबुर्गी में लेके KBN इंजीनियरिंग कॉलेज है, KCT इंजीनियरिंग कॉलेज है और गवर्नमेंट है, मगर ये कोई भी कॉलेज को नहीं देके सिर्फ PDA इंजीनियरिंग कॉलेज को ही टेंडर देना बोल के जो टेंडर निकाला है, ये टेंडर के खिलाफ आज हम आवाज उठा रहे, क्योंकि जो PDA इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले 2-3 एग्जाम्पल में हमने सोचा है कि जो कलबुर्गी ग्रामीण मत क्षेत्र के जो बेलमगी का रोड है, उसमें जो अवैज्ञानिक बोले तो इलीगल ये दिया है, रिपोर्ट दिया है, और जेवरगी तालुके में भी ऐसा ही रिपोर्ट दिया है, और जो PDA इंजीनियरिंग कॉलेज है ये थर्ड पार्टी करने के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी जो हमारे सेक्रेटरी है KKIDB के सेक्रेटरी, उनको स्पेशल उनके ऊपर फोकस करके PDA इंजीनियरिंग कॉलेज को ही ये टेंडर देना बोल के सोच के ये टेंडर जो निकाला है, ये गलत है। इसके वजह से ये गलती से हमारे जो रीजन में 5,000 करोड़ रुपए आ रहा है, वो कर 5,000 करोड़ में घपला हो सकता है, इसके वजह से ये टेंडर यहाँ से रद्द करके ये टेंडर जो कानून के तरफ से जो सरकार का जो रूल एंड रेगुलेशंस है उसके तहकीकात ये टेंडर को बुलाना चाहिए, ये टेंडर को यहाँ पे स्थगित करना चाहिए बोल के हम यहाँ आग्रह कर रहे हैं। मेरा नाम साहिबाना जमादार, अहिंद चिंतक वेदी के कलबुर्गी। हम लोग आज यहाँ पे आप पत्रकार गोष्ठी जो कर रहे हैं उसके मेन इंटेंशन क्या है बोले तो, अभी जो नया वाला टेंडर निकला है हमारे KKIDB के तरफ से, वो क्या है बोले तो एंगेजिंग इंजीनियरिंग बोल के ये टाइटल दे के आप उन्हों क्या करें इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एक इन्वाइट करें, तो जैसा हुआ है क्या बोले तो यहाँ पे जो हमारे PDA इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपका कॉलेज है, दूसरे कॉलेजेस है, उन्हों क्या है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए टेंडर बुलाने जैसा। तो हमारे टेंडर में क्या होता है, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है बोले तो एम्प्लॉयमेंट जो भी रहता है, हमारे बच्चे लोग पढ़ते हर एक साल में 2000 बच्चे हमारे क्या होते हैं एलिजिबल होते इंजीनियरिंग हो जाते, उसके बाद क्या करते हैं उन्होंने यहाँ पे जॉब नहीं मिलता बोल के क्या करते दूसरे स्टेट में जाके काम करते। यहाँ पे क्या होता है थर्ड पार्टी टेंडर जो भी यहाँ पे का थर्ड पार्टी का दूसरे कंसल्टेंसी वगैरह मिले तो क्या होता है वहाँ पे क्या है 200 से अधिक इंजीनियरिंग विद्यार्थी इंजीनियरिंग कंप्लीट करे तो जो स्टूडेंट लोग रहते उनको जॉब मिलने का यहाँ पे फायदा होता है, नहीं तो क्या होता है ये लोग PDA इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे कॉलेज कौन सा भी दिए तो क्या प्रॉब्लम होता है बोले तो वहाँ के जो भी शिक्षक रहते उन्होंने क्या करते हैं इंस्पेक्शन के लिए जाने का सोचते और वहाँ से तो आपको मालूम है पैसा निकालता बोले तो कौन नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने चले जाते हैं। उन्होंने चले गए तो क्या होता हमारे जो बच्चे लोग हमारे भाई लोग जो भी पढ़ते उधर उनका शिक्षण सही तरह से नहीं होगा, शिक्षण सही तरह से नहीं हुआ तो जो आने वाले इंजीनियर्स है आगे वह आने वाले इंजीनियर्स उन्होंने बेकार के काम में लग जाते, सो उन्होंने जो सीखते वो तो काम का कुछ भी नहीं रहता, क्यों बोले तो आगे जाके टैलेंट दिखाए तो हमारा आगे वाला जनरेशन में कुछ तो फायदा है, नहीं तो नहीं। ये वाला टेंडर रुके तो क्या है मेन प्रॉब्लम रुकना चाहिए बोले तो मेन दूसरे लोगों को कुछ फायदा मिलना है,
फायदा बोले तो ऐसा नहीं, हाँ एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होता एक बात, और इम्प्लॉयबिलिटी एक बात होता, और क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन होता सेकेंड बात, और थर्ड बात हम लोग हमारा कंसिडर करना क्या है बोले तो क्वालिटी इंप्रूव होता, फंड करेक्ट से यूज होता, ये वाला सभी पॉइंट को हम लोग कंसिडर करके आज ये क्या है पत्रिका गोष्ठी बुलाए थे। और एक मेन बात यहाँ पे पीडीए क्यों मेंशन कर रहे हैं आप लोग पूछ सकते हैं डाउट, ओके जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी टेंडर का आप लोग देख सकते हैं, उसमें पॉइंट आता है कंसल्टेंसी रहना बोल के और क्लाइंट से आपको लेटर रेफरेंस लेटर मिलना बोल के, वो पॉइंट का 20 मार्क्स है और कंसल्टेंसी का 20 मार्क्स है, और मेन पॉइंट जो है नोडल ऑफिसर बोल के उन्हों मेंबर रहना कंसल्टेंसी वाले, वो पूरा हैदराबाद कर्नाटक में जो 18 कॉलेजेस है उसमें से ओनली पीडीए कॉलेज जो है वो 15 पॉइंट ले सकता है। क्यों बोले तो वो दूसरे कौन सा भी फॉर एग्जांपल हैदराबाद कर्नाटक में वो कल्याण कर्नाटक में वो एक ही कॉलेज है वो 15 पॉइंट लेने वाला, और दूसरा फॉर एग्जांपल ऐसा भी बताना है ले तो बेलगांव में, बेलगांव में क्या है वहाँ पे केएलई कॉलेज है उन्होंने पीएमजेएसवाई का वर्क करते, ऐसा हमारे तरफ से जो 18 कॉलेजेस में हाईएस्ट पॉइंट किसका मिलते उन्हों बिड करने का चांस रहता। तो यही पॉइंट हम बताते हुए जो ये जो काम चल रहा है टेंडर बुलाने का टेंडर का काम चल रहा है वो आगे जाके रुकना चाहिए, और सभी को क्या है ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, मुझको भी मिलना चाहिए आपको भी मिलना चाहिए, जो इंजीनियरिंग पढ़े से उन्हें उनका कंसल्टेंसी रहता उन्हें एलिजिबल रहते उन्हें टैलेंटेड रहते उनको काम दिए तो क्या है अच्छे से काम होता, नहीं तो काम बेकार में हो जाता। ओके तो डिमांड क्या है सर? हमारा डिमांड यही है सिर्फ सर कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ही क्यों बुलाए, दूसरे इंजीनियर्स भी है हम लोग है, ओके हम लोग काम करने को रेडी है, हमको बुलाइए, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, किसको एलिजिबल रहता आपके पॉइंट के हिसाब से किसको एलिजिबल रहता उनको दे दीजिए, हमको कुछ मतलब नहीं, राइट। उससे उससे क्या होता है हम जो बताए 200 से ज़्यादा इंजीनियर्स को हमारे बच्चे हमारे भाई लोग को यहाँ पे काम मिलने का चांस है, पहले से एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है यहाँ पे, हम मैं खुद बोल रहा हूँ मैं 8 साल से हैदराबाद में वर्क कर रहा हूँ, राइट क्यों वर्क कर रहा हूँ बोले तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला क्वालिटी मैनेजर क्वालिटी इंजीनियर बोल के मेरे को यहाँ पे कुछ चांस ही नहीं है तो मैं क्या करूँ यहाँ रह के यहाँ रह के, इसलिए तो मैं तो चले गया। ऐसा ही आगे आने वाले भी चले जाते, हमारे लोग को क्या फ़ायदा है, राइट। यहाँ पे ये टेंडर स्टॉप हुए तो दूसरा लोग क्या रहते उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ से कुछ 200 फैमिली 200 इंजीनियर्स का फैमिली बच सकता है, आने वाले बच्चों को एक होप रहता है हम लोग जॉब कर सकते किधर तो यहाँ पे हमारे घर के तरफ ही रह सकते, नहीं तो दूसरे गांव दूसरे जगह जाने का एडजस्ट होने का ये सब प्रॉब्लम्स बहुत है, राइट। इसलिए हम ये जो भी टेंडर का ये कर रहे घोषणा जो भी करे से है उसके अपोजिट में है, राइट। थैंक यू रवि कुमार।